नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। कल आपने देखा जैकेट का कॉलर कैसे चढ़ाया जाता है, आज मैं आपको बताऊंगा जैकेट की फिनिशिंग कैसे की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका कॉलर सेट करेंगे। कॉलर सेट करने के लिए ये जो हमने कॉलर यहाँ से चढ़ाया था, इसके मार्जिन को हम पूरा इस तरीके से अंदर ले करके और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और सेम धागे से इसको यहाँ से तुरपाई कर देंगे। इसकी डबल धागा हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। इस तरीके से हम इसको तुरपाई कर देंगे। उसके बाद ये जो हमने इस पर फीजिंग लगाई थी और इसको यहाँ हम कांटा करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में करना है। इसको भी हमें ऐसे ही इसको यहाँ से लेकर के ऐसे ले लेना है और सेम धागे से इसको हम भी तुरपाई कर देंगे। उसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हम कांटा करेंगे। इसके बाद हम इसको ऐसे रख के, अगर हम इसे हुक या हाई लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ लगा सकते हैं। इस जगह हाई लगती है और इस जगह हुक लगता हाई लगती है, इस जगह हुक लगता है। तो ये करने के बाद हम इसको इस तरीके से यहाँ से तुरपाई कर देंगे। यहाँ पर तुरपाई को बारीक किया जाता है। इस तरीके से इसको मोड़ देंगे हम, और ये जो हमारी सिलाई है ये दिखनी नहीं चाहिए, हम इसको कवर कर देंगे। इस तरीके से हम पूरे कॉलर पे सिलाई तुरपाई कर देंगे। इसकी जो सामने की किनारी है हमें यहाँ भी छापा करना है यहाँ तक।
चापा हमने इसका कर लिया है, यहाँ चापा कर दिया है इसका पूरा, और इसके हारमोल पे चापा हो गया इस तरीके से। अब हम इसकी टांकी बांधेंगे इस जगह पे, डबल धागे से टांकी बांधनी है। इस तरीके से चार बार धागे को निकालें और नीचे पक्का कर दें। ये यहाँ से कभी ऐसे खुलेगा नहीं। अब हम इसका काज का निशान लगाएंगे। काज का निशान इससे 1.5 इंच नीचे लगाया जाता है इस जगह पर, नीचे का जो निशान लगता है वो पॉकेट के सामने लगता है। और 5 काज जैकेट में बनाए जाते हैं, जैकेट ज़्यादा बड़ी हो तो 6 काज भी बन सकते हैं। सामने से इतनी दूरी पर काज बनेगा, जितनी दूरी पर हमने ये टीक छोड़ी है इतनी ही दूरी पर हमें काज बनाने होते हैं। जैकेट में अगर बड़ा बटन है कोट का तो 1 इंच का काज बनेगा, और अगर छोटा बटन है तो 1.25 इंच का काज बनेगा। तो हम इस पर 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। तो शुरू करते हैं, काज काटेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसके जो 5 काज हैं वो हम बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं मशीन से काज बनवाना तो मशीन से बनवा सकते हैं। काज कैसे बनाया जाता है ये मैं काज के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ये हमने इसके 5 काज बना लिए हैं। काज बनाने के बाद हमें इसमें प्रेस लगानी है। इस तरीके से उल्टा रख के हम इसको प्रेस लगा देंगे और उसके बाद सीधी तरफ से प्रेस लगा देंगे। ऐसे ही हमें दूसरी साइड में करना है। प्रेस लगाने के बाद हमें इस पे बटन के निशान लगाने हैं। बटन के निशान लगाने के लिए ये जो हमने चाक खोला है इसको हम बिल्कुल मिला लेंगे और इसको बिल्कुल नीचे से बराबर मिला लेंगे और ऊपर से दोनों कॉलर को बिल्कुल मिला लेंगे और इस तरीके से मिलाकर बिल्कुल सीधा कर लेंगे जहाँ पर भी ये जाएगा। अब इसके निशान हम या तो सफ़ेद पेंसिल से लगाने चाहिए या फिर चाक से लगा सकते हैं। हमारी जैकेट फिनिश हो गई है। अब हम इसको सिर्फ हमें प्रेस लगानी है। प्रेस लगाने से पहले हम इसको एक बार चेक कर लेंगे कहीं कोई धागा तो नहीं है। कच्चे का धागा हम निकाल देंगे बिल्कुल। और उसके बाद हम इस साइड से इसको प्रेस करना शुरू करेंगे। इसमें यहाँ 2 बटन भी एक्स्ट्रा भी लगाए जाते हैं, कहीं भी कोई धागा हो उसे निकाल देंगे बिल्कुल।
और अगर कोई एक्स्ट्रा पीस बचता है तो उसकी जेब में रख दें। इसके बाद हम इसको, ये जो मार्क हैं ये जब हम प्रेस करेंगे गर्म होने के बाद ये निकल जाएंगे, अभी ये दिक्कत करते हैं निकलने में। इस तरीके से आप इसको प्रेस कर देंगे, उसके बाद ये मार्क आप निकाल देंगे। ये जो पॉकेट है, पॉकेट के नीचे हम गद्दी रखेंगे और फिर प्रेस करेंगे। इस जगह भी हम गद्दी रखकर ही प्रेस करेंगे। और इसकी जो साइड है वहाँ पे हम गद्दी रख कर ही प्रेस करेंगे। यह हम इस तरह से प्रेस कर देंगे।
ये हमारी जैकेट तैयार हो गई है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी आपने देखा जैकेट को फिनिश कैसे किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाकर जरूर बताइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट, शर्ट, कोट, जैकेट, सफारी, टक्सीडो, ब्रिचेस आदि की सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा उस सभी टेक्निक में आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।